तभी संभव हो पाया जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे अभियान को रोज अपनी मतलब दिन के जो उनके कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में एक उनका ये भी प्रमुख कार्यक्रम रहता होगा कि इस अभियान को रोज जो है मॉनिटर करना। उसी के कारण से पूरे देश से सारी मशीनरी आई, विशेषज्ञ आए, दुनिया के विशेषज्ञ आए। ये तभी संभव हो पाया कि हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में पहले भी आपदाएं आती थी, लेकिन इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का एक तरह से मॉनिटरिंग कभी देखने को नहीं मिली। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री के रूप में अलग, उन्होंने जैसे अपने परिवार में बच्चों का, अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से माता पिता ख्याल रखते हैं, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण पूरी दुनिया से तारीफ कर रहा है इस ऑपरेशन का, इस टनल का आगे भविष्य आप कैसे देखते हैं? और बतौर मुख्यमंत्री आपने कई विजिट किया और कल तो कई घंटे आपने कैंप किया हुआ था वहाँ, जैसे अब रेस्क्यू बिना कराए आप जाएंगे नहीं। कल मैं दिन में प्रातःकाल में वहीं था 10 बजे तक, और 10 बजे जाने के बाद फिर से मैं 1 बजे वापस आ गया था, और 1 बजे से लेकर थोड़ी देर के बाद लगभग 1:30 बजे मैं चला गया था, और लगभग 9-9:30 बजे जब अभियान पूरा हो गया उसके बाद ही बाहर निकला। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमने पहले ही कहा है कि इन सब का हम जितने भी इस प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबकी समीक्षा करेंगे, और भारत सरकार भी अपने स्तर पर सबका सेफ्टी जो ऑडिट है वो करवाने का निर्णय वहाँ से हो चुका है, तो चूँकि इकोलॉजी भी चलेगी और इकोनॉमी भी रहे, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बनी रहे, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं जल्द? हाँ, सभी श्रमिक स्वस्थ हैं, और देखिए उनको अंदर भी उनका हौसला, उनका शरीर दोनों भगवान की कृपा से अच्छे रहे, और जो उनके लिए ऑक्सीजन देने से लेकर पानी देना और उनके लिए खाद्य सामग्री भेजना, मुझे समझ में आया जब मैंने ये सोचा था कि पूरा रेस्क्यू अभियान 3 घंटे तक चलेगा, 3 घंटे तक चलेगा, क्योंकि एक को लाने में कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक लगेंगे, स्ट्रेचर पर आएंगे, NDRF वाले STRF वाले उनको चढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही पाइप अंदर गया और NDRF STRF ने काम शुरू करना कर, तो आधे घंटे से भी कम समय में पूरा अभियान हमारा पूरा हो गया। सारे के सारे श्रमिक भाई दौड़ते हुए आए, तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई स्वस्थ आ रहे थे, उनके परिजन जिस प्रकार से उनके चेहरों में खुशी थी, उनके चेहरे में संतोष था, और वो कह रहे थे कि हमको पहले दिन से विश्वास था कि हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन से आप लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था हमारी चिंता दूर हो गई थी, हम निश्चिंत थे। एक सर आखिरी सवाल, आप तो खैर युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सामर्थ्य भी उत्तराखंड का दिखा, चूंकि युवा राज्य है उत्तराखंड अभी, और अद्भुत सामर्थ्य इस राज्य ने दिखाया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये हमारा जो हिमालय है ये हमको प्रेरणा देता है, हिमालय की तरह अडिग रहना है, हिमालय की तरह आगे बढ़ना है।